तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो हमने कभी कवर नहीं किया। आप में से ही एक हमारे सब्सक्राइबर ने इस वीडियो का लिंक हमें दिया और इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझाई कि इसे कवर क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये भेजा तो हम इसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके क्रेडिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, नॉट क्रेडिट्स, हम इसके टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन वीडियो है, ईरान वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2024। ठीक है, मिलिट्री पावर इन दो कंट्रीज का आज कंपेयर होगा इस वीडियो में। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब किस तरीके से कोई बोलेगा, कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफ होंगे, कैसे होंगे, ठीक है, उस सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और काफी शॉकिंग चीज होने वाली है क्योंकि इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, और आप लोग इसके बारे में जितना जानते हो कि ये चीज क्यों कंपेयर करी जा रही है, ये चीज हाईलाइट क्यों हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज का बोला है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग भी अगर चाहो तो थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जो हम देखने वाले हैं इसके बारे में भी आप लोग अगर कुछ ओपिनियन रखते हो तो वो भी ड्रॉप जरूर कीजिएगा। मैं जब पढ़ता हूं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कमेंट सेक्शन से। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखो। सुबह सुबह रेगुलरली नई वीडियोस आ जाती हैं, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर भी जगह मिले, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग कोशिश करें हमसे कनेक्टेड रहने की। ठीक है, प्यार और मोहब्बत हर एक जगह पर बनाए रखो ताकि मैं समझ सकूं आप सभी लोगों को क्या देखना है, मैं उन्हीं वीडियोस पे काम करूं और आप सभी लोगों के लिए वो वीडियोस लेकर आऊं। ठीक है, फिलहाल इन बातों को हम साइड पे रखते हैं, इस वीडियो में जंप करते हैं, इसे देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ओके, इस्लामाबाद। इब्राहिम शबाज, ओके, पॉपुलेशन कम है ईरान में, 340 बिलियन। और रे बाप, ईरान के पास ज्यादा परचेज पावर, ईरान के पास पैसा ज्यादा है। अरे बाप रे, 24-7 कंपैरिजन ही नहीं है। न्यूक्लियर वेपन जीरो, इसका क्या रीजन है? ओके, लगभग बराबर ही था, लगभग सेम ही है। 5,000 और यहां पर पाकिस्तान आ गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस 8 फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, इरिया, इन चीजों में समझ रहा हूं मैं। पाकिस्तान के पास ज्यादा 50,000, 65, ओ ओके, कोई कोई चीज ज्यादा है उनके पास। हाँ, MRAP, ठीक है, ओके, पाकिस्तान के पास ये चीजें ज्यादा है। रॉकेट IRAF, पाकिस्तान में मेजॉरिटी है। टोटल एयरक्राफ्ट, बड़ा मार्जिन पाकिस्तान आ गया। यहां पर भी बहुत ज्यादा आ गया। अटैक एयरक्राफ्ट 90, बड़ा गैप है। ओ यार, ये तो बहुत बड़ा नंबर है यार,
गैप, स्पेशल मिशन 25-10। ये क्या है? जीरो, कहीं कहीं चीजें इनके पास जीरो है यार, ये चीज बताइएगा मुझे, इसका रीजन क्या है? $549,002, हेलीकॉप्टर्स $352,129, अटैक हेलीकॉप्टर 57-13, बड़े नंबर से, बड़े नंबर से फीचर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ओ डबल, टैंकर नॉर्मल, यूएवी 166, बाप रे 960, नेवी IRIN, इतना बड़ा गैप, 114, ठीक है इतना गैप चलता है, जीरो, डिस्ट्रॉयर्स 2, ओके, फ्रिगेट्स 9-7, कॉर्वेट्स 7-3, वाओ सबमरीन ईरान के पास ज्यादा, पेट्रोल वेसल्स, बड़े नंबर से पाकिस्तान आ गया यहां पर, माइन वॉरफेयर 3-1, मर्चेंट मरीन, अरे बाप रे इतना बड़ा गैप ईरान के पास ज्यादा, लेबर फोर्स 73 मिलियन, 27 मिलियन, वहां पे पॉपुलेशन का है ना थोड़ा कम, ईरान में इतने एयरपोर्ट, 264-223, रेलवे कवरेज पाकिस्तान में ज्यादा, बहुत बड़ा गैप ईरान पीछे। ओके गाइस, तो एक ये चीज देखकर जो मैं समझ पाया हूं एक बात के पैसे के मामले में, ठीक है अगर आप वेल्थ के बारे में बात करें तो उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसला है, ठीक है ईरान के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बात आती है इन आप वेपन्स की बात होती है, चाहे वो बहुत सारे तरीके के, इसमें तो कुछ ऐसे नाम थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं, ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं पहली बार देख रहा था, ठीक है उन मामलों में पाकिस्तान के पास वो सामान बहुत ज़्यादा है और उनके पास वो चीज़ें नहीं है, ठीक है लेकिन पैसों के मामले में वो ऊपर निकल गए, और पॉपुलेशन वहाँ पर कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, ठीक है और अभी लास्ट पे वो एरिया आया था, ठीक है वो पानी की कवरेज वाला, ठीक है और वो रेलवे का, उसमें भी पाकिस्तान आ गई थी, मैं बार बार रोकता नहीं हूँ, ठीक है उसके बाद हर एक चीज़ पे टिप्पणी हो जाती है तो ये वीडियो 40 मिनट का बन जाता, ठीक है लेकिन देखकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। आप लोग मुझे रीजंस बताइएगा, बहुत सारी चीज़ें जो ज़ीरो थी, एक पता नहीं क्या मैं भूल गया यहाँ पे, क्या था वो न्यूक्लियर वेपन क्या था वो, जिसमें पाकिस्तान के पास तो बहुत सारे थे लेकिन ज़ीरो लिखा था ईरान के नीचे, वो आप मुझे बताइएगा, उसमें मैं कन्फ्यूज़ हूँ ज़ीरो क्यों, बहुत सारी चीज़ें ईरान के नीचे ज़ीरो लिखी हुई थी, ठीक है इतनी चीज़ मैं समझ पाया हूँ, पैसे के मामले में तो आगे हैं लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अपने आप को लिमिटेड फैलाए इन सब चीज़ों में, ठीक है ये आप लोग ज़रा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय।